चैनल जी एस वाई निरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप DGDRT की कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, आप उसकी तैयारी में व्यस्त रहिए और इस बार फाइनली 148 फतेह करके आप अपने सपने को साकार करिए। मित्रों, सपना तब साकार होगा जब आप खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस पेपर से ही आपका सिलेक्शन संभव है। याद रखिएगा, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस तो पढ़ाया ही जा रहा है, उसके साथ आपका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो गया है, तो प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन संभव है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो प्रैक्टिस पेपर है, ये प्रैक्टिस पेपर 36 है। कल आपने 35 नंबर का प्रैक्टिस पेपर देख रखा होगा, उसमें भी आपको 125 क्वेश्चन देखने को मिला होगा। 125 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने 120 मिनट का आपको टाइम दिया था और 120 मिनट टाइम के साथ 125 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, तो इसके लिए नंबर कितना आपको मिला? 500 नंबर मिला। मित्रों, याद रखिएगा, इस टाइप से प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है और गलत उत्तर देने पर आपको नकारात्मक अंक यानी दंडित करने का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। तो यानी 100% क्वेश्चन आपको अटेंड करना ही करना है, यानी 125 क्वेश्चन आपको गोला काला करना है। अब देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है मित्रों, किस विख्यात कथाकार, चित्रकार और कला समीक्षक का 4 मई 2021 को निधन हो गया। नाम दे दिया गया LM सेन, प्रभु जोशी, AK हालधार या फिर यामिनी रंजन राय। मित्रों, नाम दिया गया कि कथाकार भी हैं, चित्रकार भी हैं और बहुत अच्छे कला समीक्षक भी हैं और दुखद निधन हुआ है 4 मई 2021 को। तो ऐसा बढ़िया महान कलाकार प्रभु जोशी जी थे जिनका निधन 4 मई 2021 को हो गया। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे, दो नंबर क्वेश्चन आएगा, क्या पूछ रहा है आपसे, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? नाम दिया गया कर्निंगहम ने की, नाम दिया गया राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की, नाम दिया गया काकवर्ण ने की और नाम दिया गया डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने सिंधु सभ्यता को खोजा। मित्रों, खोज की बात आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा की गई है। तो सही जवाब आप वी के साथ लगा लेना, वी इज द राइट आंसर छाप लेना। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा मित्रों, नंदी का सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है, उसका सिचुएशन कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे है। नाम अजंता का दिया गया है, खजुराहो का दिया गया, एलोरा और बाग का नाम दिया गया। नंदी वही जो गाय की आकार की होती है आप जानते हैं मित्रों, और जो शंकर जी की सवारी है। तो नंदी की सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो कहाँ पाई जाती है? तो जहाँ पर 34 गुफाएं होती हैं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पाई जाती है, नाम होता है एलोरा। तो सही जवाब एलोरा के साथ लगाइए, बी इज द राइट आंसर लगाइए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है मित्रों? 4 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है, तैलीय चित्रण, क्या तैल चित्रण हेतु माध्यम के रूप में किसका प्रयोग सर्व प्रचलित है? नाम दिया गया अरसी का तेल, कुसुम का तेल, अखरोट का तेल और सूरजमुखी का तेल। तो तैलीय चित्रण में किसका प्रयोग सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है? मित्रों, तैलीय चित्रण अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सब प्रचलित है या सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला तेल है वो अरसी का तेल है। तैलीय चित्रण आप जानते हैं, रवि वर्मा जिसमें पारंगत थे, राजा रवि वर्मा भारत के पहले चित्रकार जो तैलीय कला को या तैलीय विधा को खूब आगे ले गए। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? नाम दिया गया अजमेर में है, उदयपुर में है, अहमदाबाद में है या फिर जोधपुर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है मित्रों? अगर 2.5 दिन के झोपड़े की आप बात करते हैं तो 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में पाया जाता है और राजस्थान का एक शहर है अजमेर। तो सही जवाब आप अजमेर के साथ लगा लेना, सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया, भिक्षुक बुद्ध
भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? नाम एलोरा का दिया गया, बाघ का दिया गया, अजंता का दिया गया और एलिफेंटा का भी दिया गया। भिक्षुक बुद्ध का चित्र पूछा जा रहा है मित्रों, तो भिक्षुक बुद्ध का जो चित्र है वो कहाँ पर चित्रित है? मित्रों वही चित्रित है जहाँ 30 गुफाएं पाई जाती हैं, जो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के किसके पास है आप जानते हैं, औरंगाबाद। तो सही जवाब आपको अजंता का साथ देना होगा, वी इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है बनीठनी, बनीठनी किस शैली का चित्र है? नाम वास शैली का है, लघु चित्र शैली का है, लोक शैली का है और फ्रेस्को शैली का है। बनीठनी कौन सी शैली का चित्र है मित्रों? तो जब आपसे बनीठनी पूछा जाए तो बनीठनी आप जानते हैं किशनगढ़ शैली का है, किशनगढ़ शैली का, अब उसका नाम तो कहीं दिया नहीं गया। तो मित्रों आप जानते हैं कि जो किशनगढ़ शैली है ये लघु चित्रण शैली के अंतर्गत आती है, राजस्थानी, पहाड़ी, ये सब आपकी लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती हैं। तो सही जवाब लघु चित्रण शैली लगा लीजिए, सी इज द राइट आंसर बना लीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, 8 नंबर प्रश्न संख्या 8, आपसे पूछा गया क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है, नाम दिया गया कथा चित्रकार कहा जाता है, संत चित्रकार कहा जाता है, रसिया चित्रकार कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। बाबा क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को आप कैसा चित्रकार मानते हैं? तो आप जानते हैं मित्रों कि बाबा क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने वैष्णो धर्म पे खूब ज़्यादा चित्रण का कार्य किया था और वैष्णो धर्म पे कार्य किया इन्होंने, तो ये कैसे चित्रकार कहलाएंगे? संत चित्रकार कहलाएंगे, संत। तो सही जवाब संत चित्रकार, सही जवाब बी के साथ लगाइए मित्रों, संत चित्रकार के साथ आंसर्स बनाइए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, वास चित्रण, वास चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? नाम नंदलाल बोस का है, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का है, उन्नीसनाथ टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। वास चित्रण पद्धति की अगर बात आती है मित्रों, तो वास चित्रण पद्धति जो बहुत अच्छे से काम किया गया और जहां से किया गया उस क्षेत्र का नाम बंगाल है, इसीलिए इसे बंगाल शैली भी कई बार कह दिया जाता है। तो बंगाल शैली का प्रवर्तक कौन है या बंगाल शैली का जनक कौन है? तो उनका नाम अवनींद्रनाथ टैगोर है। तो सही जवाब जो है उसी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, कह रहा है विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण का कार्य किया? प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मित्रों, विकास भट्टाचार्य जी ने किस वाद में चित्रण का कार्य किया? नाम दिया गया अति यथार्थवाद में कार्य किया, घनवाद में कार्य किया, सुरीलिज्म में कार्य किया या फिर अभिव्यंजनावाद में विकास भट्टाचार्य जी ने कार्य किया। मित्रों जब आप विकास भट्टाचार्य की बात करते हैं तो विकास भट्टाचार्य का नाम जो जुड़ता है वो अति यथार्थवाद के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? अति यथार्थवाद। तो सही जवाब जो बनेगा वो फर्स्ट के साथ बनेगा, यानी ए इज द राइट आंसर्स पढ़ेगा, ए इज द राइट आंसर्स होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 11 नंबर, प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है? मित्रों यूपी का प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलता है? सिघरिया में, अवध में, सारनाथ में या फिर मिर्ज़ापुर में? आप जानते हैं कि जो यूपी का प्रागैतिहासिक चित्र वाला बेल्ट है वो अपना खुर्जा वाला नहीं, सीधे सीधे मिर्ज़ापुर वाला बेल्ट है। तो डी के साथ आंसर्स लगाइएगा, चुनार मिर्ज़ापुर, डी इज़ द राइट आंसर्स, यानी विंध्याचल वाला बेल्ट। तो डी इज़ द राइट आंसर्स छापो मित्रों। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, कह रहा है मित्रों खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है, तो अरसी का तेल है, तारपीन का तेल है, प्राकृतिक ग्लू है या फिर इसमें से कोई नहीं। खनिज रंग में बाइंडर जो मिला होता है वो बाइंडर किसका मिला होता है आप देखेंगे, तो खनिज रंग है मित्रों, और खनिज रंग में जो बाइंडर प्रयोग किया जाएगा वो प्राकृतिक ग्लू प्रयोग किया जाएगा। तो सही जवाब जो आंसर्स लगाना पड़ेगा वो सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 13 नंबर, आपसे पूछा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि एसोसिएट ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ पेंटर एचर्स एंड एंग्रेवर्स
ये 31 जुलाई 1880 को स्थापित किया गया था। यह पूछा जा रहा है जो है एसोसिएट ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ पेंटर्स एचर्स एंड एग्रेवर्स की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, पेरिस में स्थापित किया गया, रोम में स्थापित किया गया, लंदन में या फिर न्यूयॉर्क में, कहाँ पर स्थापित किया गया मित्रों? तो जब ऐसी संस्था की बात आती है तो इसके लिए लंदन शहर जिम्मेदार है। सही जवाब बी के साथ बनाओ, लंदन में स्थापित है, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे गिरा मित्रों, 14 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है इंडियन स्कल्पचर एंड आइकॉनोग्राफी, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकॉनोग्राफी के लेखक कौन है? नाम दिया गया गणपति वी स्थापित हैं, नाम दिया गया रायकृष्ण दास जी हैं, नाम वी एस अग्रवाल का दिया गया और नाम जो दिया गया वो गुलाम मोहम्मद शेख का दिया गया। इंडियन स्कल्पचर एंड आइनोग्राफी के लेखक की बात हो रही है। इंडियन स्कल्पचर एंड आइनोग्राफी की अगर बात आती है तो उसके लेखक गणपति बी स्थापित हैं। सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चंस की, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकॉनोग्राफी के लेखक कौन है? नाम दिया गया गणपति भी स्थापित हैं, नाम दिया गया रायकृष्ण दास हैं, नाम दिया गया वी एस अग्रवाल हैं और नाम दिया गया गुलाम मोहम्मद शेख का। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकॉनोग्राफी की अगर बात होती है तो ये जो रचना है ये गणपति भी स्थापित के द्वारा जो है लिखी गई है, तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा, 15 नंबर क्वेश्चन है आपसे कह रहा है स्वामी नारायण मंदिर कहाँ है, आपसे पूछा जा रहा है स्वामी नारायण मंदिर कहाँ है। नाम दिया गया रामेश्वर का, नाम दिया गया चंडीगढ़ का, नाम कोलकाता का भी है और बस्ती का भी ऑप्शंस दे दिया गया। मित्रों स्वामी नारायण मंदिर, एक स्वामी नारायण मंदिर अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में है और यूपी का एक क्षेत्र है बस्ती, जो आजकल थोड़ा सा बस्ती के पास वाला बेल्ट ही थोड़ा चर्चा में है, तो बस्ती के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। अयोध्या के आगे बस्ती पड़ता है, डी के साथ आंसर्स लगाइएगा, बहुत सारे लोग बस्ती क्लास भी देख रहे होंगे तो डी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 आपसे कहा जा रहा है रघु राय जाने जाते हैं, नाम दिया गया उपन्यासकार के रूप में, कार्टूनिस्ट के रूप में, अभिनेता के रूप में या फिर फोटोग्राफर के रूप में। रघु राय की बात होती है मित्रों, तो जो रघु राय जाने जाते हैं ये एक प्रख्यात फोटोग्राफर हैं। सही जवाब जो है वो आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न संख्या 17 पूछा गया ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं और नाम दिया गया पेंटिंग में है, संगीत में है, मूर्तिकला में है या फिर प्रिंट मेकिंग में है। ज्योति भट्ट कौन सी विधा से संबंध रखती हैं? तो ज्योति भट्ट की जब भी बात आती है तो ज्योति भट्ट का जो संबंध होता है वो प्रिंट मेकिंग से होता है। सही जवाब जो है वो डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर है, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एन एस बेंद्रे क्या थे, मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, नाम दिया गया छापा चित्रकार थे या फिर थिएटर आर्टिस्ट। मित्रों एनएस बेंद्रे क्या रहे हैं? नारायण श्रीधर बेंद्रे की जब भी बात आती है तो नारायण श्रीधर बेंद्रे एक प्रख्यात चित्रकार रहे हैं। सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है गाउज के लिए ऑप्शन दिया गया कि कास्ट और लिनोलियम उत्कीर्णन के प्रयोग में आने वाला वी या यू आकार के उपकरण है गाउस, नाम दिया गया तारपीन का तेल है गाउस, नाम दिया गया दो या अधिक ब्लॉक से एक रंग में छापा बनाने की प्रक्रिया है गाउस और नाम दिया गया कि व्यवस्थित डायवर्जन या संयोजन है गाउस। मित्र गाउस की बात आती है तो यू या वी आकार का जो आपका उत्कीर्णन का कार्य होता है, काष्ठीय उत्कीर्णन जिसमें आपका लकड़ी पे चित्रकारी होता है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो सही जवाब गाउस के लिए फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लो, ए इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं, नाम चित्रकला का है, वीणा का है, सारंगी का है और म्यूरल का नाम दिया गया। एस बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो एस बालचंद्रन की जब भी बात आती है वीणा के लिए फेमस हैं,
सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कला समीक्षा में कौन संबंधित है? कला समीक्षा में के एस कुलकर्णी संबंधित हैं, रमेश्वर ब्रूटा संबंधित हैं, रतन परीमू संबंधित हैं, या फिर हिम्मत शाह जी एक प्रख्यात कला समीक्षक हैं। मित्रों, जब कला समीक्षा की बात आती है कि कला समीक्षक कौन बढ़िया है, तो इन चारों नामों में रतन परीमू का नाम आएगा। सी के साथ आंसर आपको लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, 22 नंबर है, 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है, मित्रों किस प्रख्यात मूर्तिकार ने सीमेंट कंक्रीट में अनेक मूर्तियां निर्मित की? नाम दिया गया जगमोहन चोपड़ा का, नाम दिया गया कृष्णा रेड्डी का, नाम दिया गया रामकिंकर बैज का, और नाम दिया गया दीपक बनर्जी का। सीमेंट कंक्रीट में ज़्यादा मूर्तियाँ किसने निर्मित की, ये आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। और सीमेंट कंक्रीट में ज़्यादा मूर्तियाँ जो बनाने का काम रहा, अनेक मूर्तियों को बनाने का काम रहा, वो किंकर दा का रहा, यानी राम किंकर वैस का रहा। तो सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर है मित्रों, 23 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, अंजलि इला मेनन, अंजलि इला मेनन में से किससे संबंधित हैं? अंजलि इला मेनन में से किससे संबंधित हैं? छापा कला से जाने जाते हैं, चित्रकला के रूप में जानी जाती हैं, व्यंगात्मक चित्र बनाने के लिए, या फिर नृत्य कला के रूप में फेमस। अंजलि इला मेनन की अगर बात आती है मित्रों, तो अंजलि इला मेनन का संबंध चित्रकला से होगा। सही जवाब सी के साथ बनाना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 24 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। 24 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, बीसी सान्याल जाने जाते हैं, नाम दिया गया लघु चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, भित्तीय चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, दृश्य चित्रण के लिए जाने जाते हैं, फिर कर्मकारी के लिए भावेश चंद्र सान्याल जाने जाते हैं। जब भावेश चंद्र सान्याल की बात आती है, तो दृश्य चित्रण इनका नाम होता है। सी के साथ आंसर्स बनता है, सी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, आपकी स्क्रीन पर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफिनी, अपोलो एंड डेफिनी के मूर्तिकार कौन थे? ये नाम पूछा गया, बर्निनी थे, मिसाचियो थे, दोनों तेल्लो थे, या फिर पाओलो उच्चेलो थे? मित्रों, अपोलो एंड डेफिनी के मूर्तिकार कौन रहे? अपोलो एंड डेफिनी के मूर्तिकार की बात होती है, तो ये बर्निनी की रचना है। सही जवाब बर्निनी के साथ लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है मौलाराम कौन थे? मौलाराम मूर्तिकार थे, गीतकार थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे? मौलाराम कौन थे? मित्रों, जब मौलाराम की बात आती है, तो मौलाराम एक प्रख्यात चित्रकार हैं, तो सही जवाब जो है वो चित्रकार के रूप में लगाइएगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, तो अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय वस्तु, विषय वस्तु क्या थे? नाम दिया गया राम सीता थे, शिव पार्वती थे, मीरा कृष्ण थे, या फिर राधा कृष्ण थे? कांगड़ा शैली के चित्रों के जो विषय वस्तु रहे हैं मित्रों, वो क्या रहे हैं? तो आप जानते हैं कि कांगड़ा शैली हो, वसोहली शैली हो, इन सारी शैलियों में राधा और कृष्ण पे खूब ज़्यादा काम हुआ है, तो राधा कृष्ण इनके विषय वस्तु रहे हैं। यहाँ के चित्रकार जो है वो राधा और कृष्ण के ऊपर खूब ज़्यादा काम किए हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगाना होगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, पूछा गया बाबरनामा, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? नाम दिया गया गुलबदन बेगम ने किया, नाम दिया गया सुलेमान मिर्जा ने किया, नाम दिया गया मिर्जा हिंदाल ने किया, और नाम दिया गया अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी में अनुवादित बाबरनामा को किया क्या? मित्रों, अगर बाबरनामा की बात आती है, तो बाबरनामा को वही फारसी में, मुगलों की आधिकारिक भाषा थी फारसी, तो फारसी में वही अनुवादित कर पाएगा जो खूब अच्छे से तुर्की को भी जानता हो, फारसी को भी जानता हो, संस्कृत को भी जानता हो। सही जवाब अब्दुल रहीम खान खाना लगाना पड़ेगा, सही जवाब डी के साथ बनाना पड़ेगा। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया, तो डी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे गिरा, पूछा गया सम्राट जहांगीर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? नाम दिया गया बसावन था, मंसूर था, मनोहर था, अबुल हसन था? सम्राट जहांगीर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार, बढ़िया चित्रकार कौन रहा मित्रों? तो जहांगीर के दरबार का सबसे बढ़िया चित्रकार इन चारों ऑप्शंस में वो अबुल हसन को मानता था। अबुल हसन एक नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे मंसूर को मानता था, ठीक है, पहले नंबर पे वो अबुल हसन को ही मानता था जहांगीर।
तो जहांगीर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार अबुल हसन, दूसरे नंबर पे मंसूर, याद रखिएगा ठीक है। तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाजपक्षी चित्रकार आपका मंसूर ही है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन से मित्रों, वर्ष 1859 ईस्वी में स्टील फेसिंग की खोज किसने की थी। नाम दिया गया फ्रांसिस सेवमोर हेडन के द्वारा किया गया, नाम दिया गया जेम्स टी सोट के द्वारा किया गया, नाम दिया गया अल्फेंसो टी सोट के द्वारा किया गया, या फिर एफ ज्वेटर्स के द्वारा किया गया। मित्रों स्टील फेसिंग की बात होती है, 1859 की ये रचना है, पूछा गया है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से जो स्टील फेसिंग के लिए आंसर्स बनेगा एफ ज्वेवर्ड बनेगा। तो सही जवाब एफ ज्वेवर्ड बनाइएगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चंस देखा जाए तो 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और 31 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मित्रों, तैलीय चित्रण हेतु सर्वप्रथम कैनवास का प्रयोग किया गया, और नाम दे दिया गया कि 16वीं सदी में बेनिस यानी इटली के कलाकारों द्वारा किया गया, 17वीं सदी में ब्रिटेन के कलाकारों द्वारा किया गया, 19वीं सदी में पेरिस के कलाकारों द्वारा किया गया, फिर 15वीं सदी में न्यूयॉर्क के कलाकारों द्वारा तैलीय चित्रण में कैनवास का प्रयोग किया जाने लगा। मित्रों तैलीय चित्रण में कैनवास सबसे पहले जो प्रयोग होता है वो 16वीं सदी के आसपास होता है, और बेनिस यानी इटली वाले कलाकार करते हैं। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाना होगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, 32 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया, स्तंभ यानी खंभा पर लटकाने के लिए बनाया जाने वाला लंबा छापा चित्र जो साधारणतया 28x4 का आकार का है, ये क्या कहलाता है। खंभा पे लटकाने वाला जो चित्र होता है उसे हेलियोग्रेवर कहते हैं, होसिराए कहते हैं, स्टेन सिल कहते हैं, या फिर स्पैन कहते हैं, सॉरी स्नैप कहते हैं। आपको बताना है जो इस टाइप का चित्र देखते होंगे, 28 इसकी लंबाई हो जाती है, 4 इसकी चौड़ाई हो जाती है, खंभाई पे जो है टांग दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे युवा नेता तेज तर्रार वो सब अपना अपना काम करवाते रहते हैं बैनर पोस्टर पे। तो इसका जो नामकरण होता है मित्रों, खंभा पे या स्तंभ पे कोई लटकाने का कार्य किया जाए, कोई बैनर पोस्टर चिपकाया जाए, तो उसे हासिराए कहते हैं। क्या कहते हैं, हासिराए। सही जवाब वी के साथ लगा लो, वी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है, वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र ग्रंथ में 64 कलाओं की सूची में चित्रकला को कौन सा स्थान दिया। अब आप जानते हैं कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख हुआ है, किसकी रचना है, वात्स्यायन जी की है, और वात्स्यायन ने 64 कलाओं में चित्रकला को कौन से क्रम पर रखा, पाँचवा स्थान दिया, तीसरा स्थान दिया, चौथा स्थान दिया, या फिर पहला स्थान दिया। मित्रों जब चित्रकला की बात आती है तो 4 से चित्रकला 4 से 4, तो सही जवाब जो है चौथा लगाइएगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा, सही जवाब वी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें बनी हैं, नाम दिया गया प्रस्तर पे हैं, कांस्य पे हैं, घिया पत्थर यानी सिलखड़ी पे हैं, या फिर लकड़ी पे हैं। सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरें बनी हुई हैं, तो प्राप्त मोहरें जो बनी हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता में वो सिलखड़ी बनी हुई हैं यानी घियाड़ी पत्थर पर बनी हुई हैं। तो सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा मित्रों, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, 35 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है भारत में लेखन का सर्वप्रथम उदाहरण पाया जाता है, और नाम दे दिया गया 5वीं सदी ईसा पूर्व के पाली बौद्ध ग्रंथों के रूप में, नाम दे दिया गया 11वीं सदी के जैन धर्म ग्रंथों के रूप में, नाम दे दिया गया 16वीं सदी के राजस्थान में चित्रित जो वैष्णो धर्म के ग्रंथ हैं उसके रूप में, या फिर 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल कालीन ग्रंथों में आपको भारत में लेखन का सबसे पहला उदाहरण मिल जाता है। तो मित्रों लिखने का जो साक्ष्य है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, और 5वीं शताब्दी में जो आपको दिखाई देता है वो पाली बौद्ध ग्रंथ आता है। पाली आप जानते हैं बौद्धों की रही है भाषा, और उसमें आपको सबसे पहले लेखन का साक्ष्य मिल जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है आपके स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है नागर शैली,
नागर शैली संबंधित है, नाम दिया गया वास्तुकला से संबंधित है, मूर्तिकला से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है या फिर आरेखन कला से संबंधित है। नागर शैली की बात होती है, जब नागर शैली की बात आती है तो नागर शैली में आप जानते हैं कि वास्तु ज़्यादा बनाया गया, तो वास्तुकला से इसका उल्लेख लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 37 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था, नाम दिया गया भूदृश्य चित्रण था, व्यक्ति चित्रण था, पशु आखेट था या फिर पौराणिक चित्रण था। मित्रों प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मेन विषय रहा है, मुख्य विषय रहा है, वो रहा है आखेट। और आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में ज़्यादातर पशु आखेट दर्शाया गया, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है चित्रकला ये प्राचीन शब्द या प्राचीन नाम क्या है, नाम दिया गया रूप भेद है, आलेख्य है, शिल्प है या फिर रचनात्मकता है। मित्रों चित्रकला आप जानते हैं रूप भेदा प्रमाणानी भाव लावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगमिति चित्र षडांकम में, तो इसको आलेख के रूप में दर्शाया गया, लेकिन चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था, पुराना नाम। मित्रों ये तो आपका जानते हैं दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी में, दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी के आसपास जयमंगला में आलेख का उल्लेख हुआ है, लेकिन उससे पुराना अगर आप चित्रकला देखेंगे तो चित्रकला में उस टाइम इसे शिल्प कह दिया जाता था, शिल्प, शिल्प, ठीक है। तो याद रखिएगा प्राचीन नाम इसे शिल्प ही कहा जाएगा, शिल्पकला। तो सही जवाब वी के साथ लगाइए, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गेरू है, गेरू है, गेरू क्या है, पेस्टल है, जल रंग है, भूमिज रंग है या फिर निमेशीय, कोई नहीं। गेरू की बात होती है तो गेरू क्या है, गेरू मित्रों भूमिज रंग है, क्या है, भूमिज रंग है। तो सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाना पड़ेगा, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 40 नंबर प्रश्न है, पूछा गया भीम बेटिका कहाँ स्थित है, नाम दिया गया लखनदारी में स्थित है, नाम दिया गया रायसेन में स्थित है, वाराणसी में है या फिर मिर्ज़ापुर में है। भीम बेटिका कहाँ स्थित है, तो जब भीम बेटिका की बात आती है तो ये रायसेन वाले बेल्ट में है, सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 41 नंबर प्रश्न है, कह रहा है भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है, नाम दिया गया सारनाथ है, गया है, ललितागिरी है उड़ीसा वाला या फिर जयपुर राजस्थान है। अब भगवान बुद्ध पहला उपदेश जो देते हैं वो कहाँ पर देते हैं, तो सबसे पहला उपदेश जो देते हैं वो सारनाथ में देते हैं, और जो मैक्सिमम उपदेश देते हैं वो कहाँ देते हैं, तो वो श्रावस्ती में देते हैं मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 42 नंबर पे आएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है धातु से बनी नृत्य करती नर्तकी मूर्ति की खोज हुई, नाम दिया गया हड़प्पा, मिस्र, मोहनजोदड़ो या फिर मेसोपोटामिया। मित्रों धातु से बनी है, डांसिंग गर्ल की बात हो रही है, ये डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है वो मृतकों का टीला से मिला है, यानी लाशों का ढेर से मिला है, यानी मोहनजोदड़ो से मिला है। तो सही जवाब हमें वी के साथ देना होगा, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया कामसूत्र, कामसूत्र में कितनी कलाएं बताई गई हैं, नाम दिया गया 64 कला, 54 कला, 60 कला, 44 कला। अभी आपने देखा था कामसूत्र में ही पूछा गया था, और यहां भी क्वेश्चंस वही है, कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है आप जानते हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चंस 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 44 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बंबई में लिथियोग्राफी प्रेस खोला। अब चित्रकार का नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा है, एम आचेरकर है या फिर राजा रवि वर्मा है। मित्रों मुंबई के घाटकोपर में
एक लिथियोग्राफी प्रेस की स्थापना भारत के पहले तैलीय चित्रकार राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया। तो सही जवाब आपको रवि वर्मा देना होगा, यानी डी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अमरनाथ गुफा मंदिर कहाँ स्थित है। अमरनाथ गुफा मंदिर कहाँ स्थित है, नाम कोलकाता का है, चेन्नई का है, जम्मू कश्मीर का है और दिल्ली का नाम दिया गया। अमरनाथ गुफा मंदिर की बात होती है तो ये जे एंड के में है मित्रों, आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है। 46 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है के एस कुलकर्णी का संबंध किस स्थान से रहा। नाम दिया गया बनारस से रहा, लखनऊ से रहा, इलाहाबाद से रहा या फिर कानपुर से रहा। के एस कुलकर्णी का संबंध आपसे पूछा गया। के एस कुलकर्णी का जो संबंध स्थल रहा मित्रों, जहां पर आपका भारत कला भवन स्थित है, कौन सा भारत का कला भवन स्थित है, यानी BHU काशी। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, जो दुनिया का सबसे पुराना नगर कहलाता है वो है काशी। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, महादेव की नगरी है काशी। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है गढ़ी कार्यशाला के प्रथम निर्देशक कौन थे। नाम दिया गया नंदलाल बोस जी थे, के मजूमदार जी थे, शांखो चौधरी जी थे या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। गढ़ी कार्यशाला के पहले निर्देशक कौन थे। गढ़ी कार्यशाला की बात होती है, पहले निर्देशक शांखो चौधरी होते हैं। तो सही जवाब सी के साथ बनाना है, सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आर एस विष्ट कौन है। नाम लेखक का दिया गया, नाम प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार का दिया गया, नाम कला समीक्षक का दिया गया और नाम प्रसिद्ध वास्तुकार के रूप में भी बताया जा रहा है। आर एस विष्ट की बात की जा रही है। आर एस विष्ट का जो संबंध है मित्रों, ये समकालीन चित्रकार हैं तो फेमस हैं थोड़ा, तो प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार के साथ आंसर चिपका लो, वी इज़ द राइट आंसर्स बना लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे गिरा। 49 नंबर क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन रहे हैं, यानी नाट्यशास्त्र किसने लिखा। नाम भरत मुनि का दे दिया गया है, नाम लामा तारानाथ का दे दिया गया है, नाम यशोधर पंडित और भर्तहरि का भी दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है नाट्यशास्त्र का प्रवर्तक कौन है। नाट्यशास्त्र का प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। ए के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है। नाम दिया गया संगीत और नृत्य, नाम दिया गया ललित कला, नाम वास्तुकला का है और प्लास्टिक कला का भी दिया गया। तो षडंग का जो उद्देश्य है मित्रों, ये षडंग का उद्देश्य किस लिए होता है। चारों ऑप्शंस देखने के बाद आप जानते हैं कि जो षडंग है मित्रों, इस षडंग में ललित कला के बारे में बात की गई है। तो सही जवाब वी के साथ देना होगा, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 51 नंबर प्रश्न है, ऋतु के साथ साथ बारहमासा का सर्वप्रथम चित्रण हुआ। मित्रों ऋतु और बारहमासा का सबसे पहला चित्रण वसंत विलास में हुआ है, लोर चंदा में हुआ है, मृगावती में हुआ या फिर कवि प्रिया में ऋतु और बारहमासा का सबसे पहला चित्रण हुआ। तो ऋतु और बारहमासा का जो सबसे पहला चित्रण दिखाई देता है वो वसंत विलास में दिखाई देता है। तो सही जवाब वसंत विलास लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कला किस भाषा का शब्द है। कला अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कला फारसी भाषा का शब्द है, कला संस्कृत भाषा का शब्द है या फिर कला हिंदी भाषा का शब्द है। मित्रों जब बात कला की आती है तो कला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है मित्रों, वो ऋग्वेद के साथ जुड़ता है। तो ऋग्वेद आप जानते हैं संस्कृत भाषा में पूर्ण रूपेण लिखा गया है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही आपका गायत्री मंत्र का भी उल्लेख होता है, इसी ऋग्वेद में कला शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो मित्रों, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कला क्या है। कला
क्या है नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। कला क्या है हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी, लियो टॉलस्टॉय ने लिखी, हर्बर्ट रीड ने लिखी, या फिर डब्ल्यू जी आर्चर महोदय ने कला क्या है पुस्तक को लिख दिया। मित्रों कला क्या है ऐसी पुस्तक जो लिखी गई है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई है, तो सही जवाब सी के साथ बनाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। ये 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से कोई एक दृश्य कला दो आयामी है, नाम दिया गया चित्र, अधिष्ठापन, मूर्ति या फिर वर्तन। अब एक कोई दृश्य कला है मित्रों जो दो आयामी है यानी टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल यानी दो डायमेंशनल में केवल चित्र दिखाई देता है, बाकी जैसे आप मूर्ति की तरफ बढ़ेंगे वो थ्री डायमेंशनल हो जाती है। तो सही जवाब चित्र के साथ लगा लो, चित्रकार ही टू डायमेंशनल में कार्य करता है, थ्री डायमेंशनल में मूर्तिकार कार्य करने लगता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा गोथिक शैली, गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ था, नाम इटली का है, भारत का है, फ्रांस का है, जापान का है। गोथिक शैली के स्टार्टिंग की बात कर रहा है, गोथिक शैली की जो स्टार्टिंग है यानी आरंभिक की बात है तो वो फ्रांस में हुआ। तो सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है एडवर्ड मोने, एडवर्ड मोने का जन्म कौन से वर्ष में हुआ, नाम 1842 का दिया गया, 1630 का दिया गया, 1918 का दिया गया और जो है 1832 का दिया गया। एडवर्ड मोने की बात होती है, एडवर्ड मोने का जो जन्म है मित्रों 1832 में हुआ है यानी 1832 में हुआ है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है टर्नर कौन था, नाम दिया गया इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर था, डच लैंडस्केप पेंटर था, फ्लेमिश लैंडस्केप पेंटर था या फिर ग्रीक लैंडस्केप पेंटर था। टर्नर की अगर बात आती है मित्रों तो जो टर्नर महोदय रहे हैं ये टर्नर महोदय इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होता है, ए इज़ द राइट आंसर बनाना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है 58 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम कौन सी भारतीय चित्रशैली का बढ़िया कलाकार था, प्रमुख कलाकार था, नाम दिया गया कांगड़ा शैली का था, गुलेर शैली का था, चंबा शैली का था या फिर गढ़वाल शैली का रहा है। मौलाराम की बात हो रही है मित्रों, मौलाराम कौन सी शैली का बढ़िया चित्रकार रहा, तो मौलाराम मित्रों नेता कलाकार रहा है, नेता रहा है, गढ़वाल शैली का एक अच्छा कलाकार रहा है। सही जवाब जो है वो डी के साथ देना होगा, डी इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर है आप सस बनाओ। मित्रों 59 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है रवीन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के कौन से वाद से प्रभावित रहा है, नाम दिया गया अति यथार्थवाद का, घनवाद का, भविष्यवाद का और प्रभाववाद का। सही जवाब क्या बनेगा, सही जवाब अति यथार्थवाद है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है आपसे पूछा जा रहा मित्रों कि भारत की लोक कला में किस तत्व का कोई स्थान नहीं है, भारत की लोक कला में कौन से तत्व का कोई स्थान नहीं है, नाम नब्य का है, सृजनशीलता का है, तर्क का है, उपयुक्त सभी का है, नाम डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन जो आता है वो कौन सा है, अगला क्वेश्चन 61 नंबर है, कह रहा है लिनोकट तकनीकी के द्वारा दांडी यात्रा का प्रसिद्ध छापा चित्र किसके द्वारा बनाया गया, नाम दिया गया राजा रवि वर्मा ने बनाया, विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, फिर नंदलाल बोस का है। मित्रों दांडी यात्रा की बात होती है और दांडी यात्रा बढ़िया रचना है जिसका गांधी जी से अच्छा संबंध रहा होगा, जो गांधी जी के कहने पर कांग्रेस के कई पोस्टर सजाया होगा, उस कलाकार के द्वारा बनाया गया, तो नाम होगा नंदलाल बोस का। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, आपसे पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वच किसने बनाया था, दिए गए विकल्पों में से सही का पहचान करें, नाम पीतल का है, सलखड़ी पत्थर का है, ब्लैक स्टाइन,
स्टेटाइल का है और सफ़ेद किले का नाम दिया गया। पुजारी राजा का वच्छ अगर बात किया जाए तो पुजारी राजा का जो वच्छ है मित्रों, ये आपका सेलखड़ी पत्थर में बनाया गया है। सही जवाब वी के साथ लगाना होगा, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया उस चित्रकार का नाम बताइए जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उज जमान यानी वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया था। नाम दिया गया विशनदास का, नाम दिया गया विचित्र का, नाम दिया गया अबुल हसन का, नाम दिया गया मंसूर का। नादिर उज जमा की बात हो रही है और नादिर उज जमा जो कहा जाता है, नादिर उज जमा ये अबुल हसन है और नादिर अल जमा अगर पूछा जाए तो ये मंसूर है। ठीक है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 64 नंबर होगा आपकी स्क्रीन पे होगा। 64 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है रसमंजरी श्रृंखला का संबंध कौन सी शैली से है। नाम जम्मू शैली का दिया गया है, कांगड़ा शैली का दिया गया है, बशोहली शैली और मांडू शैली की बात की गई है। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध पूछा गया है। अब रसमंजरी श्रृंखला कहाँ दिखाई देती है तो मित्रों, रसमंजरी श्रृंखला जो बनी है वो जो लोक कला पे आधारित शैली है, लोक कला पे आधारित शैली है उससे है, यानी सही जवाब वशोहली जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 65 नंबर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपसे, किस ब्रांज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा प्रभावित हुआ था। नाम दिया गया डांसिंग गर्ल से, नाम दिया गया नटराज से, नाम बुद्ध का है और कृष्ण का भी दिया गया। किस ब्रांज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा प्रभावित हुआ था। रोंदा का प्रभाव किससे है तो नटराज वाले से रोंदा प्रभावित रहा है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, 66 नंबर प्रश्न है आपसे, क्या कह रहा है। कह रहा है लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी, धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है। नाम अहमदनगर का है, गोलकुंडा का है, बीजापुर का है और बीदर का दिया गया। धारा के पास बैठी योगिनी का जो चित्रण है मित्रों वो कहाँ दर्शाया गया है तो ऐसा दृश्य आपको बीजापुर में देखने को मिलेगा, धारा के पास बैठी योगिनी वाला दृश्य। बीजापुर का है तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर है, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई। नाम दिया गया 1947 में हुई, 1857 में हुई, 1905 में हुई या फिर 1875 में हुई। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की बात होती है 1857 में हुई है, यानी 1857 में हुई है। सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। 68 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है मित्रों, स्याह कोष्ठ का राजा, स्याह कोष्ठ का राजा किंग ऑफ द डार्क, ये भित्ति चित्र के चित्रकार कौन रहे हैं। नाम दिया गया विनोद बिहारी मुखर्जी की रचना है, ज्योति भट्ट की है, के लक्ष्मा गौड़ की है या फिर के जी सुब्रमण्यम की है। किंग ऑफ द डार्क की बात हो या फिर स्याह कोष्ठ के राजा की बात हो, ऐसी रचना जो है के जी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई, तो सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार का महिला चित्रकार थी। नाम दिया गया रजिया बेगम थी, साइफा बानो थी, नूरजहाँ थी या फिर तालत बानो थी। आप जानते हैं मुगलिया राज दरबार में महिला चितेरियाँ जो रहीं वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहीं, तो साइफा, नादिरा और रुकैम बानो रहीं। ये तीनों महिला चितेरियाँ किसके दरबार की थीं, तो ये जहांगीर के दरबार की थीं और ये जहांगीर के दरबार की शोभा रही हैं। तो इसमें से जो सही जवाब बनेगा वो साइफा बानो बनेगा, सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष हुआ था। प्रगतिशील कलाकार समूह का जो गठन है वो कौन से वर्ष हुआ, 1948 में हुआ यानी 1948 में हुआ, 1956 में हुआ, 1947 में हुआ या फिर 1949 में हुआ। प्रगतिशील कलाकार समूह का जो गठन है वो कौन से वर्ष होता है मित्रों, तो ऐसा जो समूह बनाया जाता है प्रगतिशील कलाकार समूह, ये 1947 में बनाया जाता है, तो सही जवाब वी के साथ लगाना होगा, वी इज़ द राइट आंसर्स देना होगा। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 71 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। 71 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है लघु चित्र प्रेम 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 की नाव, प्रेम की नाव बोट ऑफ लव इनमें से कौन सी शैली से संबंधित है। नाम किशनगढ़ शैली का है, कोटा शैली का है, मंडी शैली का है और बूंदी शैली का दिया गया। प्रेम की नाव यानी बोट ऑफ लव कौन सी शैली से संबंधित है तो बोट ऑफ लव, बोट ऑफ लव का जो दृश्य है वो बनी ठनी वाले से है यानी किशनगढ़ शैली से है, तो सही जवाब जो है किशनगढ़ शैली के साथ देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, 72 नंबर क्वेश्चन
कि मट्टनचेरी महल, मट्टनचेरी महल स्थित है, नाम कोच्चि केरला का है, गोवा का है, कोलकाता का है और नई दिल्ली का दिया गया। मट्टनचेरी महल कहाँ पाया जाता है? मित्रों जब मट्टनचेरी महल की बात आती है तो एक स्थान कोच्चि है, कोच्चि कहाँ पाया जाता है? केरलम पाया जाता है। केरलम कौन से कलाकार का जन्म हुआ? राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ। तो सही जवाब मट्टनचेरी महल राजा रवि वर्मा से याद रखिएगा, केरला आंसर्स बनाइएगा, कोच्चि शहर आंसर्स रखिएगा, ये इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 73 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है आपसे? वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? नाम दे दिया गया, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है या फिर भारत में है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कहाँ स्थित है? मित्रों हड़प्पा सभ्यता के अगर क्षेत्र की बात आती है तो ये पाकिस्तान वाला बेल्ट होता है हड़प्पा। मित्रों आप जानते हैं हड़प्पा 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 जिसे दयाराम साहनी ने 1921 में उत्खनन का कार्य करवाया था। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन जो है वो 74 का है, 74 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की। नाम दिया गया सुनील दास हैं, तैयब मेहता हैं, के लक्ष्मा गौड़ हैं या फिर ए रामचंद्रन हैं। काली चित्र श्रृंखला बहुत फेमस चित्र श्रृंखला है मित्रों, काली में बहुत सारी रचनाएं तैयब मेहता ने उकेरी हैं। तो सही जवाब जो है वो काली चित्र श्रृंखला के लिए तैयब मेहता के साथ जोड़िएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर है आपकी स्क्रीन पर है, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूर्ति दीदार जंग यक्षिणी, दीदार गंज यक्षिणी किस शैली से संबंधित हो सकती है? नाम दे दिया गया दीदार जंग यक्षिणी के लिए मथुरा शैली है, अमरावती शैली है, मौर्य शैली है या फिर शुंग शैली है। दीदार जंग यक्षिणी की अगर बात आती है मित्रों तो दीदार जंग यक्षिणी की वाला जो मूर्ति है वो मौर्य शैली का है। सही जवाब सी के साथ लगा लेना, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है आपसे पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का चयन किया? देवताओं और देवियों के चित्रण की आवश्यकता पूर्ण कार्य करने के लिए कौन सी शैली में कार्य किया? काष्ठखंडों का, अंकीय मुद्रण यानी डिजिटल प्रिंटिंग का, नाम दिया गया रंगीन चित्रण मुद्रण का यानी ओलियोग्राफ का, और नाम दिया गया नक्काशीदार मुद्रण का। आपको सही सही जवाब देना है। सही जवाब अगर बात करते हैं तो ओलियोग्राफ में खूब ज़्यादा काम हुआ है, रंगीन शिला मुद्रण चित्रकारी में खूब ज़्यादा काम हुआ, ऐसा कार्य सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 77 नंबर क्वेश्चन है बंदर और कंचन पेंड, बंदर और कंचन पेंड चित्रकला का निर्माण किसने किया? नाम राम कुमार का है, ए रामचंद्रन का है, एन एस रिमजन का है और बी सी सान्याल का दिया गया है। बंदर और कंचन पेंड की बात आती है तो बंदर और कंचन पेंड बढ़िया रचना है अच्युतम रामचंद्रन की। तो सही जवाब ए रामचंद्रन के साथ लगाइए, सी इज द राइट आंसर्स बनाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर होगा, 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया? शांति दबे ने किया, अनुपम सूद ने किया, विमान सुंदरम ने किया या फिर लक्ष्मण गौर के द्वारा किया गया? सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य मित्रों ऐसा कारनामा अनुपम सूद के द्वारा किया गया। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, 79 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कल्याण मंडप, कल्याण मंडप के संयोजन में किसका योगदान था? नाम दिया गया विजयनगर का था, पल्लव काल का था, चोल काल का था या फिर होयसल का था? कल्याण मंडप के संयोजन में किसका योगदान रहा? तो कल्याण मंडप के संयोजन में विजयनगर का कार्य रहा, विजयनगर वही जो आपका हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया राज्य था। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रसिद्ध चित्रण कार्य द अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित है? द अरेबियन नाइट्स आर चगुतई से संबंधित है, जेपी गांगुली से संबंधित है, आमिर खुसरो से संबंधित है या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित है? द अरेबियन नाइट्स की बात होती है मित्रों बढ़िया चित्र श्रृंखला है और अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। तो सही जवाब जो है अवनी बाबू के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर्स चिपकाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर होगा, 81 नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है मित्रों? गुप्त अवधि की मूर्तियों को निम्नलिखित विशेषताओं में से कैसी बताई जाती हैं? बालकनी और छतरी के साथ स्तूप है, नाम दिया गया ग्रीको रोमन शैली और तकनीकी है,
नाम दिया गया देवताओं के चारों ओर हालों का विस्तृत सजावट है या फिर उभरी हुई नक्काशी के मूर्तिकला और धर्मसंघ हैं। गुप्त अवधि की मूर्तियों को निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रही हैं, तो आपको बताना है गुप्त काल में देवी देवताओं के चारों ओर का रहा है, हालों का खूब बढ़िया सजावट रहा, जो अगल बगल वाले हाल थे, घर थे, उनको भी खूब बढ़िया सजाया गया है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। गुप्तकाल आप जानते हैं मंदिरों का स्वर्ण काल कहलाता है मित्रों, गुप्तकाल। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुषाण काल के बैठे हुए बुद्ध यानी कंटरा माउंट से प्राप्त है, ये पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है, पटना संग्रहालय पटना में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राजकीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश में, या फिर सरकारी संग्रहालय मथुरा में। बैठा हुआ बुद्ध जो दृश्य है कुषाण काल का है, कहाँ पाया जाता है, तो मथुरा जाना पड़ेगा आपको, बरसाना वाला बेल्ट, एक सरकारी संग्रहालय है वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो सही जवाब जो है डी के साथ देना पड़ेगा, डी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर है, 83 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन मित्रों कह रहा है देवी माँ यानी मदर गॉडेस, ये सबसे बड़ी विशेषता क्या है। गोलाकार स्तंभ बनाया गया है, पंखे नुमा आकार की टोपी बनाई गई है, घुमावदार आंखें बनाई गई, या फिर हार बहुत अच्छा बनाया गया। देवी माँ मदर गॉडेस, इसकी सबसे बढ़िया विशेषता क्या रही है मित्रों, तो ये पंखे नुमा आकार की टोपी बनाई गई है देवी माँ। सही जवाब जो है वो वी के साथ बनाना पड़ेगा, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 84 नंबर आ रहा है, 84 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पत्थर की मार विजय मूर्तिकला अजंता के किस गुफा में स्थित है, 15 नंबर 26 नंबर 20 नंबर और 10 नंबर का नाम दिया गया। पत्थर का मार विजय अजंता में पाया जाता है आप जानते हैं, और अजंता की 26 नंबर गुफा में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, तो सही जवाब जो है वो 26 नंबर देना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, 85 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 5वीं सदी में ध्यान मग्न बुद्ध किससे संबंधित हैं, नाम शुंग का है, गुप्त का है, गांधार का है, मौर्य का है, ध्यान मग्न बुद्ध किससे संबंधित हैं। 5वीं सदी के ध्यान मग्न बुद्ध की अगर बात आती है, गुप्त काल आंसर्स बनता है, सी इज़ द राइट आंसर्स होता है, सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 86 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 86 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है गोल गुम्मत जो बीजापुर है, कौन सी सामग्री उपयोग की गई थी, मकराना मार्बल प्रयोग किया गया था, बालू पत्थर ज़्यादा प्रयोग किया गया, गहरा भूला बेसाल्ट वाला प्रयोग किया गया, या फिर लाल पत्थर से गोल गुम्मद बनाया गया। गोल गुम्मद बीजापुर में है मित्रों, और जानते हैं बेसाल्ट के पत्थरों से, तो गहरा भूरा वाला बेसाल्ट पत्थर प्रयोग किया गया, सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछा गया सन 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था, 1921 के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में झंडा का प्रस्ताव किसने रखा, गांधी ने, नेहरू ने, वेंकैया नायडू ने, या फिर पिंगली वेंकैया ने। मित्रों 1921 की बात होती है, 1921 में गांधी जी का दबदबा था और उस टाइम झंडे का प्रस्ताव गांधी जी ने रखा, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आएगा, 88 नंबर क्वेश्चन से आपसे क्या कह रहा है, 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताजमहल की कैलीग्राफी किस धर्म ग्रंथ पर आधारित है, दास्ताने मुमताज़ पर आधारित है, गीता पर आधारित है, कुरान पर आधारित है, या फिर तुजुक ए शाहजहाँ पर आधारित है। ताजमहल की जो कैलीग्राफी है मित्रों वो किस पर आधारित है, कुरान पर, तो सही जवाब कुरान लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 89 नंबर आएगा, 89 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 89 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कौन से स्कूल की विशेषता देवी और देवताओं का चित्रण है, नाम बूंदी स्कूल है, राजस्थानी स्कूल है, पहाड़ी और मुगल का नाम दिया गया, कौन से स्कूल की विशेषता देवी और देवताओं का चित्रण है, तो वह स्कूल पहाड़ी स्कूल है जिसमें देवी देवताएँ खूब ज़्यादा मात्रा में दर्शाई गई हैं, सही जवाब बी के साथ लगा लो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 90 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्लैक पैगोडा में भारी पहियों कितने जोड़ हैं, 12 जोड़े हैं, 16 जोड़े हैं, 10 जोड़े हैं, या फिर 14 जोड़े हैं। ब्लैक पैगोडा में से मित्रों किसे कहा जाता है,
आपका पूरी उड़ीसा पाया जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उसे कहा जाता है, और कोणार्क के सूर्य मंदिर में 12 जोड़े बड़े बड़े पहिए ऐसे दर्शाए गए हैं। आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे पहिए बने हुए हैं। भगवान सूर्य का मंदिर है, सहीज बाबा फर्स्ट के साथ लगाओ, ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहलाता है, उसमें 12 जोड़े बड़े बड़े पहिए लगाए गए हैं, सहीज बाबा फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 91 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया नुजुम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है। नाम दे दिया गया, राष्ट्रीय संग्रहालय में है, एनजीएमए संग्रहालय में है, चेस्टर बेटी संग्रहालय डब्लिन वाले में है, या फिर पटना पुस्तकालय में नुजुम उल उलूम मिल जाएगा। नुजुम उल उलूम अगर आपको देखना है, चेस्टर बेटी जाना पड़ेगा मित्रों, चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डब्लिन वाले में आंसर्स बनेगा, शी के साथ आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपका 92 नंबर है, 92 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग राजा रवि वर्मा की है। राजा रवि वर्मा ने द हार्ट ब्रोकन को बनाया, शांतनु और मत्स्यगंधा को बनाया, मगहनदा की विजय बनाया, या फिर द आर्केस्ट्रा बनाया। आप जानते हैं मित्रों कि राजा रवि वर्मा के द्वारा शांतनु और मत्स्यगंधा भी बनाया गया है, अर्जुन और सुभद्रा भी बनाया गया है, हरिश्चंद्र और तारामती भी बनाया गया है, साधु और मेनिका भी बनाया गया है, पक्षी दूत हो, वामन अवतार हो, जिप्सी गर्ल हो, उदयपुर का किला हो, या फिर शांतनु और गंगा हो, या फिर शांतनु और मत्स्यगंधा हो, या फिर आपका इंद्रजीत का विजय हो, सारी रचनाएँ बहुत अच्छी हैं मित्रों, ये सब की सब रचनाएं राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई हैं। तो सही जवाब आप बी के साथ लगा रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है। नाम पुलिंत पीठ है, मेवाड़ है, रसाजनी है और बूंदी। कुल्लू स्कूल का पुराना नाम क्या, तो कुल्लू स्कूल का कुलंत पीठ नाम था, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे 94 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे, क्या पूछा गया 94 में, कहा जा रहा है चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है। नाम दारा जोधपुर का दिया गया, नाम शाहबद्दीन मेवाड़ का दिया गया, नाम नूरुद्दीन बीकानेर का दिया गया, और निहाल चंद किशनगढ़ का दिया गया। मित्रों आप जानते हैं चौगान प्लेयर्स जो रचना है दारा के द्वारा बनाई गई है, जोधपुर शैली की है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है 22 अगस्त 2018 को निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया जो कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर रहे हैं। कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर सोमनाथ होर रहे, अनुपम शूद रहे, रामकिंकर वैज रहे, या फिर कृष्ण रेड्डी रहे, जिनका निधन 22 अगस्त 2018 को हुआ। मित्रों जो है दुखद निधन हुआ है कृष्णा रेड्डी का, कलर विस्कोसिटी जो है प्रोसेस के बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं, तो सही जवाब कृष्ण रेड्डी लगा लो, इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प यानी खड़ी हुई स्त्री डाडाडाट में बना है। नाम मिट्टी का दिया गया, कांस्य का दिया गया, पत्थर का दिया गया, और काष्ठ का दिया गया यानी लकड़ी का। खड़ी हुई स्त्री की बात होती है मित्रों, ये कांसा माध्यम में बनाई गई रचना है, तो सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों 97 नंबर, पूछा गया कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, यह वाक्य किसने कहा। नाम सैयद हैदर रजा का है, कि कहबार का है, जी आर संतोष का है, और कृष्णा रेड्डी का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप पर प्रतिष्ठित करना चाहिए, ऐसा कथन जी आर संतोष गुलाम रसूल संतोष के द्वारा दिया गया है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो मित्रों, सी इज द राइट आंसर बनाओगे। ऐसा काम जी आर संतोष नहीं किए, कृष्ण कैंटागिरी है बार ने कहा है, सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 98 नंबर होगा आपकी स्क्रीन पे होगा, 98 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। नाम दिया गया पैग का, नाम दिया गया आधुनिक समूह का, नाम बॉम्बे समूह का, 1890 समूह का।
जवाहरलाल नेहरू ने कौन से समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो 1890 एक ग्रुप बना था मित्रों, इसका पहला उद्घाटन उन्होंने किया था पहले प्रदर्शनी का। सही जवाब डी के साथ बनाना पड़ेगा, तो डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन जो है वो 99 नंबर है। 99 नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है चोलकालीन देवी उमा जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है मूर्ति, ये किस समयावधि से संबंधित है? देवी उमा 16वीं सदी से है, 13वीं सदी से है, 10वीं सदी से है, 12वीं सदी से है। देवी उमा की बात होती है, चोलकाल वाला डाटा है, 12वीं सदी का है मित्रों। सही जवाब डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपका 100 नंबर है, 100 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल में चित्रित किया गया? नाम राग रागिनी का है, बार हमासा का है, संगीत दृश्य है या फिर शिकार दृश्य है? कोटा स्कूल में चित्रित किया गया हो ऐसा दृश्य कौन सा है? तो शिकार दृश्य कोटा स्कूल में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चित्रित हुआ है। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 101 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? नाम दिया गया बाबर, नाम दिया गया जहांगीर, शाहजहां और अकबर का नाम दिया गया। प्रसिद्ध मुगल सम्राट है जो भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया, भारतीय कहानियों पर काम जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया। तो सही जवाब अनपढ़ राजा अकबर का नाम लगाइए, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। अगला क्वेश्चन 102 नंबर है, आपकी स्क्रीन पर है 102 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता था? नाम कागज और हाथी दांत का है, कागज और धातु का है, कागज और कपड़े का है, कागज और लकड़ी का है। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया गया? तो वो कैनवास कागज और हाथी दांत पर रहा है। कागज, हाथी दांत और कई जगह आप देखे होंगे भित्तीय रचना भी देखने को मिलती है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो मित्रों, कंपनी शैली यानी पटना शैली यानी जौन शैली यानी फिरंगी शैली में ऐसा कारनामा किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन आपका 103 नंबर है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों, नटराज के बाएं हाथ में भुजंग त्रिष्ठा तथा भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है? शैतान की शक्ति, भगवान का ध्यान, माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना या फिर शैतान और भगवान के बीच की लड़ाई? मित्रों क्या दर्शाता है? तो माया यानी भ्रम के पर्दे से दूरी को दर्शाना नटराज के जो बाएं हाथ में भुजंग प्रसन्नता है और भाव मुद्रा है, तो ये माया को दूर करने के लिए है। सी के साथ आंसर्स लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है, आपसे कह रहा है रंग खुरच कर रेखांकन करने वाली पद्धति को कहते हैं, रंग को खुरचिए फिर रेखांकन करिए, घोष्ट लाइनिंग कहेंगे इसे, एंटी क्रेन कहेंगे इसे, लुप्त रेखा कहेंगे इसे या फिर उपयुक्त सभी कहेंगे इसे? मित्रों रंग खुरचिए उसके बाद रेखांकन करिए, तो ऐसा काम जो है एंटी क्रेन का रहा। सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है प्रकाश तथा अंधेरे का प्रभाव दिखाने के लिए किस तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है? नाम लाइट एंड शेड का है, नाम लाइट एंड डार्क का है, नाम क्यूरो स्क्वायर का है, नाम इनमें से कोई नहीं का दिया गया। प्रकाश और अंधेरे का प्रभाव दिखाने के लिए कौन सी तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो क्यूरो स्क्योर सही जवाब बनेगा, सी के साथ आंसर्स बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 106 नंबर है, आपसे पूछा गया 106 नंबर प्रश्न, किस विधा में विविध प्रकार की सामग्री का निर्बाध प्रयोग किया जा सकता है? नाम वास्तु का है, कोलाज का है, बॉटिक का है और जो है टेपेस्ट्री का दिया गया है। कौन सी विधा है जिसमें विविध प्रकार की सामग्री जो है ज़्यादा मात्रा में प्रयोग की जाती है? तो कोलाज। मित्रों कोलाज में कतरन का भी प्रयोग कर लिया जाता है, कागजों का कतरन हो, कपड़ों का कतरन हो, इनसे भी काट करके इससे भी चित्रकारिता कर दी जाती है। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, 107 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है आकृति को छोटा या बड़ा अंकित करने के सहायक यंत्र को क्या कहते हैं? नाम पेंटोगन कहते हैं, ग्राफ मेथड कहते हैं, पेंटोगन कहते हैं या फिर खुरचुनी कहते हैं? आकृति को छोटा या बड़ा अंकित करने के लिए जो सहायक यंत्र है वो कौन सा है? तो इसे पेंटोग्राफ कहेंगे, पेंटागन नहीं कहेंगे, पेंटोग्राफ कहेंगे, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 108 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है क्या दृश्य कला के अध्ययन में सर्वाधिक उज्ज्वल भविष्य किसका है?
नाम चित्र डिजाइन का है, औद्योगिक डिजाइन का है, पर्यावरणीय रूपरेखा का है और संस्थापन का नाम दिया गया। दृश्य कला के अध्यापन में सर्वाधिक उज्ज्वल भविष्य जो रहा है वो रहा है पर्यावरणीय रूपरेखा का। तो सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस विशाल मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ? नाम दिया गया मरियप्पन मंदिर में हुआ, अंगारकोट मंदिर में हुआ, बटू गुफा मंदिर में हुआ या फिर कामाख्या मंदिर में हुआ। विशालकाय मंदिर है मित्रों, प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ है, सही जवाब बताना है। तो अंगकोर वाट का जो मंदिर है मित्रों, ये सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में ही बना है। तो सही जवाब जो है वो बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर है। पूछा जा रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का है, नाम हेमकुंडा गुरुकुल का हिमाचल प्रदेश का है, उदयगिरी गुफा महाराष्ट्र का है और अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश का दिया गया। कौन सा जोड़ा सुमेलित आपको दिखाई देता है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश है, सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 111 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है शैलोत्कीर्ण है, प्रागैतिहासिक पांडुलिपियां हैं, प्रागैतिहासिक शिलाचित्र हैं, प्रागैतिहासिक वास्तुशिल्प अभिकल्पनाएं हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। शैलोत्कीर्णन की बात होती है, शैलोत्कीर्णन जो दिखाई देता है प्रागैतिहासिक शिलाचित्र होता है। वी इज द राइट आंसर्स बनता है, वी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाम दिया गया वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र का है, थंका चित्रकला सिक्किम का है, मंजूषा चित्रकला बिहार का है या फिर कलमकारी चित्रकला केरला का है। कौन सुमेलित नहीं दिखाई देता? जो कलमकारी दिखाई दे रहा है इसका संबंध केरला से नहीं है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो मित्रों, यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 113 नंबर है आपकी स्क्रीन पर है। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंधानी, बंधानी कपड़े की छपाई की टाई और डाई, टाई और डाई कला का प्रभुत्व है। नाम दिया गया पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में है या फिर राजस्थान में है। टाई और डाई कला का प्रभुत्व कहाँ पे है? तो टाई और डाई कला का जो प्रभुत्व है वो राजस्थान में है, सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 114 नंबर है आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है? मनोती कला जिसमें ऊँट की खाल के साथ सजावटी सामग्रियां सम्मिलित की जाती हैं वो प्रसिद्ध हैं उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, कहां पर फेमस है ऊँट की खाल पर चित्रांकन? तो मित्रों ये बीकानेर की फेमस है, सही जवाब सी के साथ लगाइए, सी इज द राइट आंसर्स बनाइए। अगला क्वेश्चन 115 नंबर है, पूछा गया मित्रों कढ़ाई से संबंधित कलाकारी काम प्रसिद्ध है। नाम राजस्थान का दिया गया, आंध्र प्रदेश का दिया गया, गुजरात और पंजाब का दिया गया है। कढ़ाई से संबंधित जो कलाकारी है मित्रों वो कहाँ ज़्यादा होती है? तो कढ़ाई से संबंधित जो कलाकारी है वो आंध्र प्रदेश में होती है, सही जवाब सी के साथ लगाइएगा, गंटूर वाला आंध्र प्रदेश, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। 116 नंबर क्वेश्चन है, इस कढ़ाई में फूल और अन्य सुंदर पैटर्न बनाने के लिए सफ़ेद धागे का उपयोग किया जाता है, यह लखनऊ में प्रसिद्ध है। फुलकारी, कलमकारी, कसीदा या फिर चिकनकारी? अब लखनऊ की बात हो रही है तो लखनऊ का चिकनकारी बहुत फेमस है, आप जानते हैं कपड़ों पर खूब अच्छे से की जाती है, सही जवाब जो है वो डी के साथ बनाना पड़ेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है शिल्पपादिकारम में, नाट्य शास्त्र में, साम वेद में या फिर शकुंतलम में। कठपुतली कला की बात होती है मित्रों, जो कठपुतली कला है काठ से बनाने वाली कला है वो शिल्प पादिकारम में खूब बढ़िया से मिलता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 118 नंबर होगा आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? नाम कठपुतली राजस्थान का है, बोम्मा लट्टम आंध्र प्रदेश का है, रावण छाया उड़ीसा का है और जो है पावा कुंथू केरला का दिया गया है। कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है मित्रों? तो बोम्मा लट्टम आंध्र प्रदेश वाला गलत है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो, यही आपका सही जवाब बनेगा, बाकी सभी मिलान सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 119 नंबर है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पूछा जा रहा है मित्रों किस पुरस्कार को स्वर्ण कलम पुरस्कार भी कहा जाता है? भारत रत्न को, पद्म विभूषण को, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को या फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार को? स्वर्ण कलम पुरस्कार
कार्ड जिसमें सोने का कलम टाइप का दिया जाता है, दृश्य मित्रों साल उड़ा के काम चलाया जाता है, वो है आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। पूछा गया कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित रहा है? नाम भविष्यवाद का है, दादावाद का है, किरणवाद का है, प्रभाववाद का है, कौन सा गति पे आधारित था? तो जब गति की बात आती है तो भविष्यवाद का नाम आता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 121 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों मैटिस का डांस चित्र कौन से संग्रहालय में है? नाम दे दिया गया लिब्रू यानी पेरिस वाले संग्रहालय में है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क वाले में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट लंदन में है, या फिर मेट्रोपोलियन म्यूजियम आपका न्यूयॉर्क में है वहां पर है। तो मित्रों मैटिस का जो डांस वाला चित्र है वो कहां दिखाई देता है? तो मैटिस का डांस वाला जो चित्र है वो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है। सही जवाब वी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं? नाम मुगलिया शैली है, जनता शैली है, बंगाल शैली है और समीक्षावाद शैली है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल कौन से समकालीन कला से संबंधित हैं? रामचंद्र शुक्ल की अगर बात आती है समीक्षावाद से इनका संबंध जुड़ता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। मित्रों अगला क्वेश्चन देखेंगे, 123 नंबर आता है। पूछा जा रहा है बरोक शैली का मुख्य कलाकार है? नाम रूबेंस का दिया गया, रैम्ब्रा का दिया गया, कैरावेजियो का दिया गया और वैतिचेली का दिया गया। बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है? तो बरोक शैली का जो बढ़िया वाला कलाकार माना जाता है मित्रों वो माना जाता है कैरावेजियो। तो सही जवाब जो है वो कैरावेजियो के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 124 नंबर है आपसे। पूछा जा रहा है अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है, अभिव्यक्ति है, प्रमाण है, या फिर प्रकृति है? अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो अरस्तु के अनुसार जो कला है वो अनुकृति है मित्रों। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। 125 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, फ्रायड का है, या फिर क्रोजी का है? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है ऐसा जो कथन है मित्रों ये रविन्द्र बाबा का है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अब आप ओवरऑल बता दो कि आपका ये टेस्ट पेपर कैसा रहा, कितने क्वेश्चंस आपके सही गए इस 125 क्वेश्चंस के सेट में। अगर चैनल पे नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने इष्ट मित्र तक कर देना जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।